सत श्री अकाल जी, की हाल चाल। मैं उम्मीद करता हूँ सारे बढ़िया हो गए, दिन बहुत बढ़िया जा रहे होंगे। तो आज आ गया विदाई का दिन। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। तो जो हमारा कैमरा था वो अपने सोरे आया हुआ था, सोरे इंसान कि मेरे पास आया हुआ था। पाजी को आ देने जा रहे हैं, पिक के जा रहा है, अपने घर वापसी जा रहा है। तो हम गोप्रो से शूट कर रहे हैं। गगन आ चुका है वापसी त्रिनुद की ट्रैक से, आपने इसके ब्लॉग देख लिए होंगे इसके चैनल पे। तो गगन एक बहुत प्यारी चीज लेके आया, गगन अमृतसर भी गया था, बहुत प्यारी चीज ये लाया भाई साहब, 100 रुपए का इत्र। ओए होए होए, दिखाएं आप इधर, दिखाएं इधर कैमरे में ना सूंघने वाली नाक नहीं लगी, नहीं तो आपको सुंघाता, आपको प्यार देता। लगाइए आप थोड़ा सा, लगाइए भाई साहब, ऐसे दुबई वाली फील आ रही है, मजा है ना। तो अभी अभी हमने ट्रिप प्लान कर रहे हैं, मतलब ट्रिप प्लान धीरे धीरे कर रहे हैं, हमारे बापू से बात कर रहे हैं। बापू हमारा बता रहा है इधर से जाओ, इधर से जाओ, बस दिक्कत एक आ रही है, मोदी जी ने पेट्रोल बहुत महंगा कर दिया, 100 रुपए पेट्रोल हो गया दिल्ली में, तो ये दिक्कत आ रही है। बाकी आज का व्लॉग बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अभी पहले हमने कैमरा देने जाना है वापसी। तो और आज है 8 तारीख और 9 तारीख को था राजन पाजी का बर्थडे। तो पहले हम पाजी को कैमरा दे के आते हैं, फिर घर आके रोटी खाते हैं, फिर पाजी के लिए लेके जाएंगे हम केक रात को 12 बजे, है ना। सो लेट्स गो, चलेंगे गगन। भाई आपने फुद्दू बंदे तो सुने होंगे, पर महाफुद्दू नहीं सुने होंगे, सुने भी होंगे तो देखे नहीं होंगे। आज देखने आप, हमने वीडियो शूट कर ली पर हमने माइक ही नहीं लगाया था, वो तो शुक्र है कि गोप्रो में इंटरनल माइक है, तो हमारी वीडियो रिकॉर्ड होगी, नहीं तो होती ना। अब हम पी रहे हैं जीरा सोडा, फिर हम जा रहे हैं पाजी को कैमरा देने, बस अपनी वीडियो शेयर कर रहे हैं, देन चलते हैं। देखो मम्मी तो अपना बैग छोड़ के आई थी, वो बैग आ चुका है पानीपत में, बट हमारे जो भाई साहब हैं ये तो स्पीकर ही फेंका है पहाड़ से। भाई इतना माड़ा गाना खोटा सिक्का चलाया हुआ था कि स्पीकर स्पीकर ही उड़ गया पहाड़ से, खोटा सिक्का चलाया, पीछे बंदे चल रहे थे तो उन्होंने बैग से ऐसे निकाला। भाई इसको ही कहते हैं फन, जब बंदा अपना मजाक उड़ा देता ना तो वो कुछ भी कर सकता है। चलो भाई नोएडा चलते हैं। मेहर पाजी का यार बहुत बहुत थैंक यू है, क्यों, जस्ट बिकॉज कि जो हमारी शिमला की जो इतनी अच्छी वीडियोस बन पाई ना मेहर पाजी के कैमरे के वजह से बन पाई, नहीं तो मज़ा ना आता, दिल को सुकून ना मिलता। बाकी आप देखो कितने दिनों में हमारा कैमरा ठीक हो गया, आ जाएगा, उन्होंने कहा फ्राइडे को हम बता देंगे जो कल है, फिर देखो। भाई छोटे भाई को ले जाने के ना बड़े फ़ायदे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे घर में ना पैसे बड़े भाई के पास नहीं होते, छोटे भाई के पास होते। गगन 2-3 हज़ार रुपये का पेट्रोल भरवा दे, ज़्यादा नहीं मांगता मैं तेरे से, बस इसकी टंकी, मेरी जो गाड़ी है ना इसकी इच्छाएं पूरी करो यार तुम, आजकल ये बड़ी चुपचाप रहती है, तुम इसको 3-4 हज़ार का पेट्रोल भरवा दो। देखे ये भाई साहब जो है हमारे, इनको ज्यादा ही डैन रिजेरिन, क्या नाम है उसका, बिन डीजल बनने का शौक है। अब देखो बंदे से गलती हो गई, बंदा मानेगा नहीं, पूरा टायर ही फाड़ दिया भाई इसने। भाई ये देखो हमारे टायर की माँ बहन एक हो चुकी है, इसका रिम पूरा गगन ने मुड़वा दिया है, ये देखें क्या हाल कर दिया इसने, 2 मिनट जल्दी पहुँचने के चक्कर में। देखिए आप इसके साथ एक खुशखबरी और देते हैं आपको, जो हमारा स्टेपनी है वो भी पंचर है, 2 मिनट जल्दी के चक्कर में अब हम पता नहीं कितने घंटे लेट हो जाएंगे। भाई अब गगन टायर बदल तो रहा है, अब हम ये सोच रहे हैं कि जो दूसरा टायर उसमें हवा कैसे भरेंगे, हम हमारे पास हवा वाला है उसमें हवा भर के हम ले जाएंगे कहीं तक, फिर उसमें हम पंचर लगवा लेंगे। ये टायर तो इसका तो सत्यानाश हो गया, कुछ नहीं हुआ, ठीक हो जाएगा ये, कुछ नहीं हुआ, ये कुछ नहीं हुआ, ये हल्का सा बेंड है। यहाँ पे दिक्कत ये हो गई, हमें समझ नहीं आ रहा जैक लगेगा, क्योंकि जो स्विफ्ट वालों ने ना मरुति वालों ने जैक दिया है वो बहुत ज़्यादा छोटा दिखाई, ये बाहर भी नहीं आ रहा पूरा, बड़ी मुश्किल से हमने फंसाया हुआ है इसको। अब हम ढूंढ रहे हैं ईंट मिल जाए, क्योंकि जो जैक है ना बड़ा छोटा है, ईंट के ऊपर रख के करना पड़ेगा, बट अब हमारा देश साफ सुथरा हो गया ना, ईंटें भी नहीं मिलती सड़क पे, ये ईंट मिल गया, लेकिन ये बहुत बड़ी जब पत्थर ही है, बहुत बड़ा ईंट ऊट, ईंट कहाँ से लेकर आऊँगा नेशनल हाईवे पर मैं, वो कहते हैं ना जब मुसीबत आनी होती है, अब हमें पत्थर भी नहीं मिल रहा, वैसे हमारे देश में इतने पत्थर होते हैं, एक ये पत्थर मिला, ये बहुत बड़ा पत्थर है, ये हमें काम नहीं आएगा। तो हम सोच रहे हैं इस पत्थर को टायर के आगे रखें और टायर इस पर चढ़ा दें, हो जाएगा ऐसे, नहीं टायर नहीं चढ़ेगा, फिर कैसे यार पत्थर लाएंगे कहाँ से। जैक देखो आप, जैक इतना छोटा जैक है, इसकी बाहर तक वो भी नहीं आ रही, कैसे चढ़ाएं इसको हम, मरुति वालों वेरी बैड, ये हम आपको माइनस में रिव्यू देते हैं। देखिए हम रिम निकाल रहे हैं पूरा, ये टायर देखिए आप पूरे यहाँ से ना बेंड हो गया टायर पूरा, ये रिम ठीक है, हाँ रिम नहीं कहते इसे, क्या कहते हैं इसे, वो कहते कवर, कहते हैं रिम कवर, जो
कहीं ये ना खराब हो, जो ये भी खराब हुआ ना फिर कुछ नहीं कर पाएंगे हैं। हुआ नहीं, हुआ हो नहीं रहा, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। करियो एक बार, नहीं करियो ये इसका बटन है मेरी गाड़ी की ऑन ऑफ, करियो एक बार रेस दियो। टायर हमारा चेंज हो गया है। अब आप कहोगे कि तू नहीं काम कर रहा, गगन ही टायर लगाया जा रहा है, पहली बात की गलती उसकी है। अच्छा, दूसरी बात कि मेरे को टायर नहीं चेंज करना आता। भाई अब मैं देख रहा हूँ कोई ऑटो वाला रुक जाए, क्योंकि हमारा वो चल नहीं रहा। पता नहीं वो खराब है, मशीन खराब है या सॉकेट खराब है। तो हम किसी ऑटो वाले भैया को रोकते हैं और देखते हैं हवा भर पाती है नहीं भर पाती है। पास में ही है, यहाँ से कितनी दूर है? यहाँ से हम लेफ्ट ले लें, लेफ्ट। अच्छा ठीक है, फुट ओवर ब्रिज के नीचे। गगन ये सामने ही है भाई, फुट ओवर ब्रिज के नीचे ही है। यहाँ से ऐसी चली जाएगी गाड़ी। भैया ने बता दिया कि यहीं पे है, बाकी थैंक यू भैया। ये आपका पंप है, साइकिल में हवा भरने वाला है। चलो यार कुछ तो मिला हमें, थोड़ी सी हवा भर के आगे तो पहुँचेंगे। पहले इधर दिखा मेरे को, थैंक यू है आपका। भैया ने अपना साइकिल वाला पंप दिया, बट साइकिल वाला पंप हमारे इसमें लग नहीं रहा। तो वो जो ऑटो वाले भैया थे वो कह के गए थे कि वहीं पे है फुट ओवर ब्रिज पे, टायर हमने बदल दिया, देखते हैं कि वहाँ पे मिलता है नहीं मिलता, नहीं तो पापा को फ़ोन करना पड़ेगा। भाई फाइनली हमें एक पेट्रोल पंप मिल गए हैं भैया, यहाँ से हम हवा भरवा लेंगे, पंचर भी लगवा ही लेंगे, या देखते हैं पंचर का क्या सिस्टम है। बट ज़्यादा दूर नहीं था तो हमें मिल गया, पापा को बुलाने की लोड नहीं पड़ेगी। भाई जो इंसाफ है ना वो अभी हो जाएगा। गगन कह रहा था कि जो रिम है, जो बैक वो कवर है टायर का, वो ठीक हो जाएगा तोड़े मारने से, है ना। हाँ भैया के पास हम आ गए हैं और एक घंटे में इंसाफ हो जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी। क्या दिक्कत है इसमें? भैया रिम मुड़ गया ना, ये हाँ रिम मुड़ गया तो ये इसमें ट्यूब डाल के चलेगा। बिना ट्यूब के नहीं चलेगा, क्योंकि ये किनारी है ना, जैसे ये किनारी है, टायर के बीच जो है, बैठ नहीं पाएगा। क्या कहना चाहेंगे? ठीक तो हो रहा है ना, क्या कहना चाहेंगे? फाइनली हम घर आ गए और हमारे पकौड़े जिसका था मुझको इंतजार, वो खड़ी आ गई है। पकोड़े हमारे तैयार हो गए हैं, मम्मी नींबू पा दे और हम खाएं यार इसको, बड़ी भूख लग रही है। भाई टाइम हो गया 11:40, पूरे 20 मिनट 22 मिनट पड़े हैं 9 जुलाई होने में, बाजी का बर्थडे शुरू होने वाला। केक हम ले आए थे, अब हम जा रहे हैं, है ना। बाहर मौसम बड़ा सेक्सी हो गया था, अभी बारिश हो गई हटी है, बस अब बारिश ना हो रही हो, बारिश हो रही होगी तो पंगा हो रहा है थोड़ा सा। और पाजी घर पे हूँ क्योंकि पाजी को पता नहीं हम आ रहे हैं, हम उनको सरप्राइज दे रहे हैं। मौसम इतना बढ़िया हो गया ना बारिश के बाद कि ठंडक हो गई है। वैसे ना मैंने एक चीज़ देखी है, जुलाई में ना हर बार मेरे बर्थडे के पास हमेशा बारिश आती है, हमेशा ऑलमोस्ट। जब मैं पैदा होता ना तभी बहुत बारिश आई थी और आज भी आई है। आज 9 जुलाई वैसे होने वाली है, 10 जुलाई को भी आती ही आती है। मौसम ठंडा ठंडा हो गया। राजन बाजी को फ़ोन तो कर दें कि हम उनके घर के नीचे खड़े हैं। अबे पहुंच गए अगली गली है। राजन पाजी को फोन कर दें कि हम उनके घर के नीचे खड़े हैं। फोन नंबर, फोन नंबर। पाजी हाउ आर यू, कहाँ पर हो, कहाँ पर हो? हाँ हम आपके घर के नीचे खड़े हैं, ऊपर अपने घर पे ही है। अब पाजी का नवा नवा ब्याह हुआ है ना, तो बंदा बुट्टी के साथ ही मनाता है, यारों के साथ कम ही मनाता है, है ना। तो पाजी कह रहे हैं घर ही हूँ मैं, तो घर आ जा पाजी, घर पहुँच गए। यहीं लगा दे गाड़ी, यहीं लगा दे। तो मैंने अंदर ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं करा क्योंकि मैं अभी पाजी की फैमिली से पहली बार मिल रहा था, तो वो थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है, तो मैंने ज़्यादा अंदर वीडियो रिकॉर्ड नहीं करी। घर चलते हैं, 12:35 हो गए हैं, फिर काम करना है, व्लॉग एडिट करने, इससे पहले मौसम और ख़राब हो क्योंकि हवा अभी भी चल रही है ना, मौसम और ख़राब हो, घर पहुँच रहे बजले हैं, ज़्यादा ही हाल है। क्या बात, मन तो नहीं करना घर जाने का, घर जाने का मौसम है, काम तो मेरे को भी करना है यार, काम नहीं। अच्छी बात है यार, पता है सबसे बढ़िया बात क्या होती है लाइफ की? अगर गेट बोलियो ना बता दो, सबसे बढ़िया बात क्या होती है कि बंदा ना ये बोले कि भाई टाइम नहीं है काम करना है, तो वो उसकी ना फील ही अलग आती है।
जब बंदा कहता है ना यार वेले है कोई काम ही नहीं है तो ज्यादा दुख होता है। जब बंदा कहना यार काम करना घर पहुंच के वो अलग फील आते कि हाँ बंदे के पास काम है। मेरे को खुद 4-5 लोग एडिट करने हैं अभी जाके। मेरे को खुद भाई 3-4 करने हैं। हाँ जी सो वी आर बैक होम हूँ कम करने का टाइम हूँ असी पूरी रात व्लॉग एडिट करांगे तो इदे नाल ही आप करते इस व्लॉग नूं एंड मैं उम्मीद करता तुहानूं पसंद आया। जो पसंद आया होगा तो यू नो वट टू डू यू आर वेरी इंटेलीजेंट हिट द लाइक बटन कमेंट जरूर करके जाना कि लगे तो जिन्हें जिन्हें सबसक्राइब नहीं किया सबसक्राइब कर दो 5 to 10 seconds लगने ने तुहाडे 5 to 10 seconds सानूं मोटीवेट कर देंगे होर कुछ नहीं चाहिए तुहाडे सिर्फ 10 seconds चाहिए ने वो कर दो फिर मिलते हैं नैक्सट वॉच दिन बाय बाय टेक केयर।